तो क्लास अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं उसके बेसिस पर हम यहाँ पर समरी और नोट मेकिंग देखेंगे हम यहाँ पर वो सभी पॉइंट्स रिवाइज करेंगे जो अभी तक आपने सीखे हैं और इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से आप अपनी कॉपी में लिखेंगे हमारा सबसे पहला पॉइंट है गाइनोशियम स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी तो जो गाइनोशियम है जो फीमेल पार्ट है हमारे फ्लावर का वो तीन पार्ट से मिलके बना होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमारा नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, इट इज कॉल्ड एस कार्पस ओवरी व्हेन द कार्पल्स आर फ्री इट इज कॉल्ड एस एपो तो हम बोल रहे हैं कि जब कार्पल्स फ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं सिनकार्पस ओवरी और जब कार्पल्स फ्री हो जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं एपोकार्पस ओवरी हमारा थर्ड पॉइंट है माइक्रोपाइल इज द रीजन फ्रॉम वेयर पोलन ट्यूब एंटर्स तो जो माइक्रोपाइल है वो एक ऐसा रीजन है जहां से पोलन ट्यूब इंसर्ट होती है ओव्यूल के अंदर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एग पैरेटस कंसिस्ट ऑफ सिनरज एंड एक्सेल तो जो एग पैरेटस है वो मिलकर बना हुआ है सिनरज और एग्सेल से तो क्लास हम यहाँ पर वीडियो को चार मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप ये चारों पॉइंट्स अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें हमारे नेक्स्ट पॉइंट्स है पॉइंट नंबर फाइव द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स फ्रॉम कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा प्रोसेस है जिसमें हम बात करते हैं कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो मेगा स्पोर्स बनाने में मदद करती है और किस टाइप के डिविजन से याद कीजिए हमने एक रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस की बात की थी इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है आउट ऑफ फोर Three of the mega spores degenerate. Only one remains functional. है, और ये फंक्शनल मेगा स्पोर माइटोसिस के थ्रू बनाता है हमारा मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट इज अवन सेल्ड एंड एट न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट ऑफ एग अपैरेटस प्लस सेंट्रल सेल प्लस थ्री एंटीपोडल्स तो जैसा कि हमने सीखा है जो मेच्योर फीमेल गेमिटोफाइट है वो सात सेल और आठ न्यूक्लियस से मिलके बना है कैसे इसके पास होता है एग अपैरेटस जिसमें आता है एग सेल और सिनर्जिट्स सेंट्रल सेल जिसमें आते हैं दो पोलर न्यूक्लिया और तीन एंटीपोडल सेल्स हमारा नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रोपाइलर एंड इज वेयर दिनर्ज आर प्रेजेंट एंड एंटीपोडल्स आर प्रेजेंट एट द चेलेजल एंड तो जैसा कि हमने सीखा था पूरे एम्ब्रियो सैक में दो एंड होते हैं एक होता है माइक्रोपाइलर एंड जहां पर सिनरज्स होते हैं और एक होता है एंटीपोडल वाला जहां पर हम बात करें जो चैलेजल एंड पर प्रेजेंट होता है हम यहाँ पर वीडियो को चार मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन पॉइंट्स को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें तो बच्चों ये कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस हैं जो आपको घर जाकर सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर वन टू फोर फाइव एंड सिक्स एंड वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर नाइन इलेवेंथ का ए और बी पार्ट क्वेश्चन नंबर फोर्टीन और क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन का पार्ट ए